ओम शांति। 2 जुलाई। बाबा हम सभी की बुद्धि का ताला खोलने आए हैं। बाबा कह रहे हैं, जितना जितना तुम याद में रहोगे और श्रीमत पे चलोगे, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। बाबा आज पहली बात कह रहे हैं, केवल बाप को ही याद नहीं करना है। बाप को याद करेंगे तो शांति के अनुभव होंगे, लेकिन तुम्हें सुख भी चाहिए तो सुदर्शन चक्रधारी भी होकर रहना है। तुम देवता थे, ये बात बहुत सुंदर बाबा हम सबको सिखाते हैं। संसार में कोई नहीं जानता कि हम देवता थे, इसको ही बाबा थोड़ा डिटेल कर रहे हैं। आज मनुष्य में चाहे कितने भी गुण हों, किसी को देवता नहीं कहा जा सकता। देवता तुम सतयुग में थे, तुम्हारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तुम अपनी ही पूजा करते थे, अपने ही चित्रों की, और तुम्हें बिल्कुल पता नहीं था। उन्हें अलग समझते थे, अपने को अलग समझते थे। तुम सब ये भूल गए थे, मैंने तुम्हें आकर याद दिलाया। तुम अब ब्राह्मण बने हो, तुम देवता बनोगे, तुम ही देवी देवता धर्म के हो। तुम्हारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म है। तुम हिंदू नहीं हो, भूलकर, सब कुछ भूलकर तुम अपने को हिंदू कहलाने लगे हो। तो फिर से दैवी गुण धारण करें, अच्छे मैनर्स धारण करें और पतित से पावन बने। बाबा आज मुख्य बात ये कह रहे हैं, तुमने मुझे बुलाया है, हे पतित पावन आओ। मैं सत हूँ, चेतन हूँ, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, सुखों का सागर हूँ। तुम्हें मुझे याद करके पवित्र बनना है, क्योंकि कोई भी विकारी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। श्री कृष्ण स्वर्ग का फर्स्ट प्रिंस है, संपूर्ण निर्विकारी है। देवताओं की छाया इस विकारी धरती पर नहीं पड़ सकती। बहुत ही गहरी बात है। कई लोग कह देते हैं ना, श्री कृष्ण ने जन्म ले लिया है, देवता इस गंदी दुनिया में, बाबा तो कह रहे हैं उनकी छाया भी नहीं पड़ सकती है। तो मैं तुम्हें फिर से पावन बना रहा हूँ, तुम भी प्यार के सागर बन जाते हो। देखो कितना बड़ा टाइटल दिया बाबा ने हमें। ये लक्ष्मी नारायण प्यार के सागर हैं। जब तुम देवता थे तो संपूर्ण प्यार था तुम्हारे अंदर, कोई विकार नहीं था। अब तो विकार को लोग प्यार समझते हैं, प्यार का खेल बिगड़ गया है। बाप के पास तो निस्वार्थ प्यार है, निर्मल प्यार है, जो तुम्हें देता है और तुम्हें कांटों से फूल बना देता है। तुम सभी कांटे बन गए थे, कांटे समान मनुष्य एक दूसरे को दुख देते रहते हैं। अभी तुम्हें समझ में आ गया है, हम ब्राह्मण फूल बने हैं और फिर सुगंधित फूल बन जाएंगे देवता। बाबा हम सभी को पढ़ाने आ गया है। बाबा जी ये भी नशे की बात बार बार कह रहे हैं, मैं तुमको पढ़ाने आ गया हूँ, मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, मैं ही तुम्हें सत्य ज्ञान देता हूँ। पढ़ाई में, पढ़ाने वाले से और पढ़ाई से बुद्धि योग लगा रहता है। तुम्हारा भी बुद्धि योग पढ़ाई और पढ़ाने वाले बाप से लगा रहना चाहिए। तुम्हें भूलना नहीं चाहिए कौन पढ़ा रहे हैं, और इस पढ़ाई से हमें 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की बादशाही मिलती है। तो याद पर भी बहुत अटेंशन दो, और इस याद से क्या मिल रहा है उसके भी नशे और खुशी में रहो। बाबा आज आत्मा की बात बहुत कर रहे हैं, तुम्हें आत्माभिमानी होना है। आज फुल ट्रेनिंग दे रहे हैं, संकल्प करो, ये ज्ञान मैं आत्मा धारण कर रही हूँ, ये ज्ञान मैं दूसरी आत्मा को सुना रही हूँ, बाबा से ज्ञान लेकर मैं इन आत्माओं का कल्याण कर रही हूँ, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से पार्ट बजा रही हूँ, ये सब आत्माएं भी अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, ये सब ड्रामा चल रहा है, आत्मा निर्लेप नहीं है, मुझ आत्मा में ही 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, बार बार बाबा कह रहे हैं। कई लोग तो प्रश्न उल्टे सुलटे पूछते हैं, आत्मा निर्लेप है। बाबा ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, अच्छा निर्लेप है या नहीं है इसकी बात पीछे सोचना,
आत्मा को रियलाइज तो करो। आत्मा है क्या? तुम हो कौन? तुम इस शरीर में कहाँ रहती हो? तुम इस संसार में कहाँ से आई हो? ये रियलाइज तो करो। कई लोग बाबा से भी आकर पूछते हैं, बाबा ये जानवरों की आत्माएं कहाँ जाएंगी? बाबा कहते हैं, जानवरों की चिंता कर रहे हो, पहले अपने को पतित से पावन तो बनाओ। तुम पावन बनोगे तो पावन दुनिया आ जाएगी। ये पतित दुनिया को तो आग लगनी है, क्योंकि तुम याद के बल से पवित्र बनते हो, तो तुम्हारे लिए पवित्र दुनिया चाहिए। देखिए कैसा गहरा कनेक्शन है। बहुत आत्माएं पवित्र बन जाएंगी तो पवित्र दुनिया चाहिए, पवित्र दुनिया चाहिए तो इस कांटों के जंगल को आग अवश्य लगनी चाहिए। बाबा ये बात रोज रोज कहते रहते हैं। सबको पता हो, सब आत्माएं ऊपर ही जाती हैं। जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जो मनुष्य आत्माएं हैं, उनमें भी जो श्रेष्ठ हैं वो बाबा के समीप पकी नंबर वार धीरे धीरे नीचे, और जानवरों की आत्माएं बिल्कुल नीचे। सबका धाम परम धाम ही है, और परम धाम कोई थोड़ा स्थान नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा विशाल स्थान है। उसमें विनाश के बाद सभी आत्माएं चली जाती हैं। तो बाबा कह रहे हैं, पढ़ाई पर बहुत ध्यान दो, दैवी मैनर्स भी धारण करो। तुम्हें माला में आना है, विश्व की राजाई पानी है। छोटी बात थोड़ा ही, ऐसे ही थोड़ा ही मिल जाएगी। बाबा कह रहे हैं, कई बच्चे मेरे को भी आकर कहते हैं, बाबा ड्रामा में होगा तो हम पुरुषार्थ कर लेंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे कर्म तो करना ही पड़ेगा, पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे, इससे काम नहीं चलेगा। वैसे भी देखो ड्रामा, उसमें एक्टर्स को एक्ट करना होता है ना। फिल्म बनी है, क्या बिना एक्टर्स के एक्ट किए बन गई? फिल्म तो फिक्स है, लेकिन एक्टर्स को एक्ट भी तो करना पड़ रहा है। तो बाबा हम सभी को कर्म 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 की गति भी सुनाते हैं। सतयुग में कर्म कर्म, रावण राज में भी कर्म। अभी तुम्हें श्रेष्ठ कर्म करके श्रेष्ठ पद को प्राप्त करना है। तो आज का वरदान है, एक बाप के निर्मल और निस्वार्थ प्रेम में मगन रहने वाले ही माया प्रूफ बनते हैं। हम एक के प्यार में मगन हो जाएं, बहुत बड़ी चीज है। उससे हमें क्या क्या मिला है ये याद करें, उसके गुणों को याद करें, तो माया हम पर वार करेगी ही नहीं। और स्लोगन है, जो न्यारे और प्यारे रहकर कर्म करते हैं वही सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं, अर्थात अपने संकल्पों को शांत कर सकते हैं। तो आज सारा दिन हम हर घंटे में एक बार बाप दादा का आह्वान करेंगे और महसूस करेंगे उसका हाथ मेरे सिर पर है, और उसका हाथ रखते ही मेरी बुद्धि का ताला संपूर्ण रूप से खुल गया है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.